एक महीने की कड़ी रोजा रखने के बाद चांद देखने के बाद मऊ जनपद के अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। सुबह से मुस्लिम धर्म के लोगों में ईद के त्योहार की खुशियां देखने को मिली। वहीं प्रशासन ने भी सतर्क बरतते हुए जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया हुआ था। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने विश्व पर्यावरण दिवस और ईद के अवसर पर सभी मुस्लिमों से मिलकर बधाई दी। साथ ही सभी मुस्लिमों को एक पौधा उपहार देते हुए पर्यावरण को बचाने में मुस्लिमों को आगे आने और जल संग्रह करने के लिए आह्वान किया। साथ ही कहा कि बढ़ते प्रदूषण और दिनों दिन प्रदूषित वातावरण को देखते हुए पौधारोपण बहुत जरूरी है। मऊ से अचन आजमी की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। मिलकर हम एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद हर साल हमारे दरमियान आती है और भाईचारे का पैगाम लेकर आती है। हम मुसलमान इस दिन अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं, मुल्क की तरक्की और मुल्क की अमन के लिए दुआ करते हैं। आपसी सद्भावना के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को सेवई खाते और खिलाते हैं। हम लोगों के बीच हर दिन अजीज डीएम साहब और कप्तान साहब मौजूद हैं, जो हम लोगों को बल्कि तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए चेयरमैन साहब मौजूद हैं, जो हमारे अधिकारियों को और तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इसलिए इस मुसन्नत मौके पर हम तमाम देशवासियों को नमाज से पहले वो समाज के लिए बड़ी प्रेरणास्पद है। और चाहे हेलमेट की बात की हो आपने, चाहे रफ्तार की बात की हो, चाहे जल की बात की हो, जीवन अमूल्य है। और आज ये विश्व पर्यावरण दिवस भी था, जिसके साथ इसकी एक महत्ता और भी बढ़ जाती है। और आशा है कि जो कुछ दिया गया है जब तक ये रहेगा तब तक हमारी यादें आपसे जुड़ी रहेंगी। और ये जो भाईचारा संदेश है, ये अमन अमन का संदेश जो है ये पूरे देश में जाना चाहिए, जिस सब लोग इससे नसीहत में आगे बढ़े। सर पर्यावरण दिवस से क्या कहना चाहते हैं, पौधे दिए गए हैं सर। 2004 में नवदीप रिणवा जी डीएम थे, जल स्तर पे उन्होंने फोकस किया था कि जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। पौधा लगाने का रीजन भी यही है कि जल स्तर जा रहा है, आने वाले दिनों में जल संकट होने वाला है। जल संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक है कि अच्छे वृक्ष लगाए जाए, उसके द्वारा रिचार्जिंग होती है, उनकी जड़ों से पानी नीचे भी आता है और उसे रिचार्जिंग होती है, वाटर स्टेटस कराची। तो हमारे पूर्वज ज्यादा समझदार थे, उन्होंने वृक्ष लगाए और इस समय के अंदर दौड़ चल रही विकास की, जिसमें लेकिन काटे जा रहे हैं, लेकिन वृक्ष लगाना अनिवार्य है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि चाहे तमसा हो चाहे आपका वृक्षारोपण, इन दोनों पर हम लोग इस पर कार्य करेंगे। और जिस तरह से मतदान समय का आंदोलन खड़ा किया गया था, उसी तरह के आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे।